CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं शिक्षक वर्ग के लिए कार्यक्रम फिर लौटी विद्यालय गुड़िया। आइए सुनते हैं सामाजिक व्यथा पर आधारित ये कार्यक्रम। नमस्ते, मेरा नाम सविता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का कार्य संभाला था। स्कूल व्यवस्था में यूं तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एक जरूरी बात की ओर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया था। उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय भी मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी, क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए। मन ही मन मैं यही सोच रही थी कि तभी गांव के सरपंच जी से मेरी मुलाकात हो गई। नमस्ते सरपंच जी। अरे भाई नमस्ते नमस्ते, और बताइए मैडम जी, सब कुशल मंगल तो है ना? जी सरपंच जी, सब कुछ बढ़िया है। ये तो बड़ा ही अच्छा संयोग हुआ कि आज आपसे मिलना हो गया। अच्छा, वो कैसे? एक समस्या है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। समस्या? बताइए मैडम जी, क्या समस्या है? सरपंच होने के नाते मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। अब देखिए सरपंच जी, मुझे इस विद्यालय में आए लगभग 4 महीने हुए हैं। इस वर्ष विद्यालय में काफी संख्या में बच्चों के दाखिले हुए थे। हाँ भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे भी पता लगा कि इस वर्ष भी काफी बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया है, लेकिन ये तो खुशी की बात है, समस्या क्या है? सरपंच जी, इस वर्ष दाखिले तो काफी हुए थे, लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या में कमी होने लगी है। विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या में कमी होने लगी है? अब जी सरपंच जी, आज मैं स्कूल रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति देख रही थी, तब ये बात मेरे सामने आई। और गौर करने वाली बात तो ये है कि विद्यालय न आने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां हैं। गत वर्षों में भी यही समस्या रही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और उस पर ये बात कि स्कूल न आने वाले विद्यार्थियों में अधिकतर लड़कियां हैं, ये तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। जी भाई, पढ़ी लिखी लड़की तो रोशनी होती है घर की, अब अगर लड़कियां ही विद्यालय नहीं जाएंगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने सरपंच जी। मगर मैडम जी, हमारे गांव में जो विद्यालय है उसमें हमने किसी भी प्रकार की कमी तो रखी नहीं। भाई देखिए ना, अच्छी खासी इमारत है, बिजली भी है वहाँ, और आप लोग तो कुशल हैं ही, फिर भी अगर बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो ये तो वाकई चिंता का विषय है। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए सरपंच जी, कारण तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर मैंने सोचा है कि मैं उन बच्चों के घर जाकर पता लगाऊंगी। आपको जैसे ही इस बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। जी, जब समस्या है तो समाधान भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सरपंच जी से मिलने के बाद मैं बच्चों के घर की ओर निकल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच जी के घर में एक अलग ही किस्सा हुआ। अरे लाडो बहू, अरे भाई कोई है? ताजी आए, ताजी आए, ताजी आए। आजा आजा मेरी बच्ची, आजा आजा। और बता कैसी है तू? ठीक हूँ। ताजी एक सवाल पूछूं?